बीते दिनों भारतीय गोरखा परिसंघ ने खत्री धर्मशाला लाल बंगला कानपुर में अपना राज्य स्तरीय अधिवेशन संपन्न किया। कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न जिलों जैसे आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और नौतनवा के शाखाओं ने अपने आय व्यय के विवरण के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसंघ के जोन 4 के अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीबी थापा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद हमरो स्वाभिमान के महासचिव एडवोकेट प्रेम छेत्री और परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश जोशी भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। माननीय महापौर प्रमिला पांडे ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर गोरखाओं का मान बढ़ाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि गोरखाओं की कोई भी परेशानी में वह उनके साथ खड़ी है एवं इसी के साथ प्रथम गोरखा स्वतंत्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गा मल जी की प्रतिमा के लिए महापौर को गोरखाली समाज के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी के साथ वर्तमान समय में परिसंघ की कार्यशैली एवं भविष्य की नीतियों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ सर्वसम्मति से आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव भी संपन्न किया गया। जोन 4 के अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाया। मंच का संचालन डीबी थापा दुर्गेश ने किया और साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोकराझार असम में 23, 24 और 25 अगस्त 2022 के दिन राष्ट्रीय महाधिवेशन में सभी की सहभागिता होनी चाहिए एवं उन्होंने इस चीज के लिए सभी को प्रेरित भी किया। नए कार्यकारिणी का जो चयन एवं मनोनयन हुआ है उनमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल थापा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डीबी थापा दुर्गेश, प्रदेश मूल सचिव एलबी थापा रमेश, प्रदेश कोषाध्यक्ष शेर बहादुर राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष गगन बहादुर छेत्री, प्रदेश प्रशासनिक सचिव ओम बहादुर गुरुंग, प्रदेश वित्त उपाध्यक्ष श्यामलाल थापा, प्रदेश सांस्कृतिक सचिव गोपाल थापा चुने गए हैं। आज कानपुर लाल बंगले में भारतीय गोरखा परिसंघ कानपुर शाखा की तरफ से एक दिवसीय राज अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। जिसमें कानपुर नगर के सभी पदाधिकारी आगरा, गोरखपुर, बनारस जिला कमेटी के पदाधिकारी, यहाँ आना निश्चित है। स्वर्गीय सुखमन मुक्तान ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हम लोगों ने पिछले 10 सालों से इनके आशीर्वाद और इनकी प्रेरणा को लेते हुए भारतीय गोरखा परिषद में काम किया है और आगे भी करेंगे। भारतीय गोरखा परिसंघ के मुख्य संरक्षक भू सांसद नेपाली संग्रामी श्रीमती बिन कुमार भंडारी, नेता सुभाष चंद्र बोस के गायक सिपाही कैप्टन रामचंद्र, गायन अथक शतक क्रिया नाटक का संगीतकार कवि एवं की प्रतिभा के लिए अर्थक था। स्वतंत्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गा मल जो हमारे गोरखा समाज के लिए बड़ा गर्व का
अनुभूति हम लोग महसूस करते हैं वहाँ को देखते हुए। शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा स्वतंत्रता सेनानी हम सभी आगे हमारे बच्चों के लिए एक भविष्य उनको देखते हैं। कोई सिख कोई जाट बनाता कोई कोठा कोई मद्रास इस तरफ पर मरने वाला है वीर हमारे पास। इस गीत में हमारे गोरखा को भी स्थान दिया है उनकी वीरता के आधार पर। हम लोगों का भारतीय गोरखा परिसंघ के जितने भी हम लोग शाखा के लोग हैं हम लोगों का एक ही मोटिव है अपने गोरखा भाइयों को सभी को सभी ना जागो सभी लाग जगाओ मिलेरा नया इतिहास बनाओ। इसको देखते हुए हम लोग अपनी कार प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कानपुर लाल बंगला स्थित खत्री धर्मशाले में भारतीय गोरखा परिसंघ कानपुर की शाखा की तरफ से एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है जिसपे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी जिला कमेटी हैं आगरा गोरखपुर कानपुर बनारस के लोग यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं जो अपने अपने प्रगति रिपोर्ट आय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात राज्य कमेटी का गठन प्रतिक्रिया की जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम में कानपुर नगर के महापौर श्रीमती परमला पाड़े पारा और 120 का आने का कार्यक्रम तय किया गया है और सभी को वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। Jai 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 Jai
आज आप लोगों को यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सब अपने ड्रेस में हो, ये भी अच्छा है। अब कम कम यही मौका है कि आप लोग एक छतरी के नीचे सब बैठे हो, जितना टाइम बिताओगे उतना अच्छा है, क्योंकि अपना समाज जब इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपने समाज के बारे में ही सोचने का मन करता है। आज आप लोग, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोग मुझे चीफ गेस्ट बनाया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत एक हमारे घर से नेपाल की सांसद महोदया भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ आए हुए समस्त सभी अपने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोग अपना भोजन इसी तरीके से चलाएं, अब खाना पीना खा के और अपने घर को जाएं। आप लोगों का प्रस्ताव है कि दो का स्वतंत्रता सेनानी मेजर दुर्गामन जी की प्रतिमा स्थापित, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का, कि किसी की मूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आप लोग हमारे नगर निगम आइए, हम आपको एक पार्क दे देंगे इनके नाम से, तो आप जितने चाहे वो करिए। मूर्ति के लिए और गेट के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे कहूँ कि नहीं मैं कर दूंगी और आप हमारे पास करो, एक ऐसे भाव करेंगे, लेकिन एक पार्क जरूर मैं इनके नाम करूंगी जिसकी गेट देखिए। आप लोगों की पूजा पूरे विश्व में है कि आप लोगों को ईमानदार बनते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हर जगह हो जाता है लोगों ने घर बनकर किया, तो जिससे थोड़ा सा लोगों का विश्वास हो गया नहीं, तो डॉक्टर प्रेम इनके पिता तो वहाँ देखते हैं आपका परिवार। मैं 40 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ, एक ही परिवार है, नहीं लगता। तो आप लोगों का ये जो ईमानदारी और आप लोग चरित्रवान हो, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कभी भी जरूरत हो, किसी भी टाइम आप आ सकते हो, घर पे मैं तो मिलती हूँ, क्योंकि मैं अपना घर नव बजे छोड़ देती हूँ। आप मेरे वापस न आइएगा, जो भी कोई बात होगी मैं उसको जरूर करता हूँ, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेशन का तीसरा चुनाव लड़ रही थी तो अस्पताल घाट की लाइन आप छोड़ी थी। मुझे याद है मैं बेटा भी रहता था, कई से कई लोग वहाँ रहते थे, तो मेरा आना जाना था, तो यहाँ कई चेहरे परिचित हैं हमारे, तो दूसरे काम क्या है वो भी, इसलिए मैंने भैया से बोला था कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे को संदेह होने के चाहते हैं कि हम अपने समुदाय समाज के हम लोग जो है इसमें हम लोग गोठानियों का अपनी भाषा न बूझनी घेर का हम उन सब इस कार्यक्रम के लिए चीज में हिंदी का संभव सोचे क्या कार्य भारतीय गोरखा परिषद राज्य उप जिला शाखा के संपूर्ण सम्मानित पदाधिकारी गण से विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि हम अपने समुदाय समाज के प्रतिनिधि के रूप में हों
पेशकारों को बिना किसी कपट भाव के अपने पद की गरिमा के अनुरूप ईमानदार होकर नहीं चलते हैं तो इसका मतलब है कि मैं अपने पद को ही धोखा दे रहा हूँ, अपने आप को ही फकार महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा संदेश यही होगा कि हमें अपने नेपाली भाषी समाज को अपना परिवार का हिस्सा मानकर माया करें, अपने परिवार का हिस्सा मानकर उन्हें माया करें, उनके सुख उनके काम आवे और अपने समाज संगठन के उनको जोड़ने का प्रयत्न करें। एक प्रति से एक वर्ष में कम से कम 10-20 लोगों को संगठन करें, तभी हम सफल होंगे। आज से ही संकल्प लें और प्रदेश कमेटी, केंद्रीय भाजपा कमेटी और जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी से मार्गदर्शन लेकर, दिशा निर्देशन लेकर कार्य करेंगे, तभी संगठन का अपना हित का उन्नति होगा। हमने महसूस किया है कि कुछ लोग पद लेकर ये दर्शन बनकर बैठे रहते हैं। हमने महसूस किया है, आप किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हमने महसूस किया है इस प्रकार से हमारे संगठन का विस्तार नहीं हो सकता, कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा। हमारी प्रगति तभी संभव होगा जब हम लोग सब मिलकर समुदाय के हित में ईमानदारी से कार्य करेंगे, तभी हम उन्नत और मजबूत होंगे, तभी सभी को आदर और सम्मान मिलेगा।